चलिए आगे बढ़ते हैं। मध्य प्रदेश में प्राइवेट स्कूलों की मनमानी लगातार जारी है। टीकमगढ़ में बेहतर शिक्षा देने के नाम पर बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है। मामला अरिहंत पब्लिक इंग्लिश मीडियम स्कूल का है, जहां पुरानी किताबों को ठिकाने लगाने के लिए स्कूल प्रबंधन ने नन्हे बच्चों के बारे में भी नहीं सोचा और नर्सरी के बच्चों के हाथों में क्लास 1, 2 और 3 की किताबें थमा दी। इन किताबों पर UKG की चिट्ठे चिपकाकर बच्चों को पढ़ने के लिए मजबूर किया जा रहा है और अभिभावकों से किताबों के नाम पर मोटी रकम वसूल रहे हैं। इस बारे में अभिभावकों ने जिला शिक्षा अधिकारी से शिकायत की है। शिक्षा अधिकारी ने मामले की जांच कर स्कूल संचालक के खिलाफ कार्रवाई की बात कही है। बच्चा अभी UKG में पढ़ रहा है, उसको जो बुकें दी गई हैं वो क्लास 1 की, 2 की और क्लास 3 की बुकें हैं। अब बच्चा का इतना माइंड भी डेवलप नहीं हो पाता है उस उम्र में, ना ही स्कूल में कोई पढ़ाई होती है। स्कूल प्रशासन से बात की तो वो सर बोलते हैं कि हमारे स्कूल में ऐसा ही सिलेबस चलता है। हम जांच करा रहे हैं, अगर जांच में दोषी पाई जाती संस्था में उससे कार्रवाई करेंगे। तो परियोजना का आरोप है कि CBSE की किताबें दी गई, CBSE की मान्यता। हाँ, ये भी उसमें है। हम दोनों बिंदुओं की जांच करा रहे हैं, शिकायत पत्र हमारे पास आ चुका है।